हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है रेक्टेंगुलर या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का ये सेकंड नेम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं पे अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आपसे कहा जाए तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बिकॉज ये दोनों ही एक ही डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि पीडीएफ क्या होता है। अगर देखिए कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो इसका देखिए पीडीएफ क्या हो जाता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन बी माइनस ए, और इसकी जो रेंज होती है ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी जीरो एंड अदरवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x जो है आपका वेरिएबल किसी भी रेंज a से b के बीच में है तो इसका जो पीडीएफ होगा वो 1 अपॉन b माइनस a होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे x जो है वो आपका 2 से 3 के बीच में है तो आप क्या लेंगे, 1 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपका होगा x से x प्लस 1 दैट मीन्स यहाँ पे आप रखोगे b की जगह x प्लस 1 माइनस x, तो इस तरह से आप सॉल्व करके इसका पीडीएफ फाइंड कर लोगे। और ए और बी जो है आपके ये आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है या फिर ये आपके किसी अदर पैरामीटर के फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक थीटा से थीटा प्लस वन इस तरह से। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसके अलावा कोई भी अदर पॉइंट पे आप इसकी वैल्यू चेक करोगे तो वो हमेशा जीरो आएगी। नाउ मैं आपको ये बता दूं कि जो ए और बी होते हैं ये आपके पैरामीटर भी कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो इनकी लिमिट है ए से बी, तो ए और बी के बीच में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो वैल्यूज लेता है वो सारी ही वैल्यूज को यूनिफॉर्मली लेता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। या फिर हम सेकेंड ये भी कह सकते हैं कि जो भी इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो गिवेन है, इसकी अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं किसी भी ग्राफ पे तो आपको वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो होगी कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये जो आपकी लिमिट है ये ए से बी के फॉर्म में यहाँ पे है, तो जब आप ए से बी के फॉर्म में इसको इस तरह से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कुछ आपका आएगा वन अपॉन बी माइनस ए, ये आपका ये है आपका ओरिजिन जीरो, ये यहाँ पे आपका बी आएगा एंड ये है आपका एक्स एंड वाई। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए ये ग्राफ जो है वो आपका एक रेक्टेंगुलर शो कर रहा है, तो इसलिए भी हम इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। अब देखिए इसके जो नोटेशन होते हैं, तो आप बुक में कभी कभी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पे जो आपको नोटेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि x फॉलो करता है यूनिफॉर्म ए बी। कुछ अगर आपको नोटेशन इस तरह से मिला तो भी आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। अदरवाइज एक्स फॉलोज आर ए बी, इसका मतलब भी यही होता है कि यह आपका रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में नहीं बताया है, बट जब मैं आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो कुछ आपके जो डिस्क्रीट होते हैं उनमें भी आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट मीन्स आपका कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं और आपके डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ आपके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो कि कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखें, यहाँ पे तो मैंने आपको पीडीएफ बता दिया, अब मैं आपको सीडीएफ की बात करूं तो वो क्या होता है। तो देखिए उसको कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं अगर आप लोग डायरेक्टली इसको लर्न कर लोगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर देखिए एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए हो जाती है, देखिए यहाँ पे रेंज हमें गिवन थी ए से बी के बीच में, बट अगर एक्स की वैल्यू ए से लेस हो जाती है तो उस जगह पे कैपिटल एफ एक्स दैट इज जो सीडीएफ है या फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर हम इसी रेंज की बात करें एक्स इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन बी, तो वहां पे देखिए क्या हो जाता है एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एंड अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हो जाती है इसकी वैल्यू वन। नाउ अब इसके अगर मैं सीडीएफ के ग्राफ की बात करूं तो देखिए सीडीएफ का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर ली है, देखिए एक्स एक्सिस ये है आपकी वाई एक्सिस। सो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ए लोगे, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट बी लोगे, तो इसका जो सीडीएफ का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बी तक के लिए ये आपका एक इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा, देन आफ्टर बी जब बी से आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगा, दैट मीन्स इसमें फिर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा और ये होगा आपका आगे पॉइंट वन पे। जैसे कि मैंने ये बताया बी पे ये वाई एक्सिस पे देखिए पॉइंट यहाँ पे वन पे आया है, तो ये देखिए यहाँ पे आप दोनों ही पॉइंट देख सकते हैं। जैसे ही ये बी पे आएगा वन के करेस्पॉन्डिंग तो ये लाइन आपकी स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये आपकी ऐसे यूनिफॉर्मली चलती रहेगी। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से हो जाता है।
ना, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि एफ एक्स जो है वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, तो बुक में उसका एक फॉर्म ये भी दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2a एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए से प्लस ए जीरो एंड अदरवाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 1/b माइनस ए, ये है आपकी b एंड ये है आपकी a, तो ये b माइनस ए जब करेंगे आप तो 1/2। तो आपको मैंने बता दिया है अगर यहाँ कोई भी वैल्यू हो आप इसको b और इसको a लेके आप उसको वैल्यू सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो और आप कोई भी फॉर्म उसका निकाल सकते हो। सो आई होप कि आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रेक्टेंगुलर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ हमारी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी तो मैं उसमें मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एनजीएफ एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में बात करूंगी। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।